नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजी ऑन गेमिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से GTA Vice City गेम के अंदर पुलिस की ड्रेस को ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप किस तरीके से पुलिस की यूनिफॉर्म को GTA Vice City गेम में ले सकते हैं कहीं से भी। और दोस्तों इस यूनिफॉर्म को यूज करके आप मिलिट्री वाले एरिया में भी जा सकते हैं जो कि सेकंड वाली सिटी में है GTA Vice City गेम में। तो अगर दोस्तों आप इसी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप GTA Vice City गेम में किस तरीके से जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पे सबसे पहले मिल पाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों GTA Vice City गेम के अंदर पुलिस वाली यूनिफॉर्म को लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने गेम के अंदर एक मॉड को इंस्टॉल करना होगा। जो मॉड है दोस्तों उसका नेम है GTA Vice City अल्टीमेट ट्रेनर। तो दोस्तों आपको इस मॉड को अपने गेम के अंदर सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना होगा, उसी के बाद दोस्तों आप अपने गेम के अंदर पुलिस वाली यूनिफॉर्म को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों उस मॉड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आप इस लिंक पर जाकर उस मॉड को आप डाउनलोड कर लीजिए अपने पीसी के अंदर। अभी दोस्तों मैं यहां पर इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं और कॉपी कर लेने के बाद मैं अभी इसे ब्राउजर के अंदर ओपन कर लिया। जैसा कि दोस्तों आप अभी पर देख सकते हैं ये जो मॉड है दोस्तों ये सिर्फ 330 KB का है, तो इसको डाउनलोड होने में दोस्तों ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप दोस्तों यहां पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके इस मॉड को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप इस फाइल को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड कर लेंगे ये जो फाइल है दोस्तों इस टाइप से आपके फोल्डर के अंदर शो होने लगेगी। अभी दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जो फाइल है दोस्तों वो एक WinRAR फाइल है। तो दोस्तों इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी WinRAR सॉफ्टवेयर की। तो अगर आपके पीसी में ये WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी के अंदर फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल क्रोम पर जाकर। अभी दोस्तों मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं इस फाइल के ऊपर और इस पर क्लिक कर देता हूं एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पे आपके पास एक बॉक्स आ चुका है, यहां पे आप क्लिक कर दीजिएगा ओके वाले ऑप्शन पे और फिर दोस्तों यहां पर आपके पास आ जाएगा एक फोल्डर GTA Vice City अल्टीमेट ट्रेनर का। तो अभी दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, आपको इन तीनों फाइल्स को कॉपी कर लेना है जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद आपको यहां पे अपना GTA Vice City गेम का फोल्डर ओपन कर लेना है। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अपना जो गेम का फोल्डर है वो अभी यहां पे ओपन कर लिया है। अभी दोस्तों यहां पर आप उन तीनों फाइल्स को पेस्ट कर दीजिएगा, जैसे कि दोस्तों अभी मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। फाइल्स को पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो अपना जो GTA Vice City अल्टीमेट ट्रेनर की जो exe फाइल है आपको यहां पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे क्लिक करना है सेटअप वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप सेटअप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपके पास काफी सारे जो चीट्स हैं वो आपके सामने यहां पे आ जाएंगे। अभी दोस्तों आप यहां पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और दोस्तों स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा प्लेयर स्किन का, उसमें दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा साइकिल प्लेयर आउटफिट। यहां पर दोस्तों इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा राइट शिफ्ट प्लस बी। जैसे दोस्तों आप अपने कीबोर्ड पर राइट शिफ्ट प्लस बी को टाइप करेंगे आपकी जो पुलिस वाली चीट है वो यहां पे एक्टिवेट हो जाएगी। यहां पर दोस्तों आपको काफी सारे जो आउटफिट है वो देखने को मिल जाएंगे जब आप इस चीट को अपने गेम के अंदर एक्टिवेट करेंगे। तो अभी दोस्तों आपको यहां पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है और ओके वाले बटन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको इसे मिनिमाइज कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैं अभी इसे मिनिमाइज कर दूंगा और मिनिमाइज कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपना GTA Vice City का जो गेम की फाइल है आपको उसे यहां पे ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो गेम है वो यहां पे ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैंने GTA Vice City गेम को ओपन कर लिया है और यहां पर दोस्तों आप कीजिएगा क्लिक स्टार्ट गेम पर। अभी दोस्तों आप अगर न्यू गेम खेलना चाहते हो तो आप न्यू गेम पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोड गेम करना चाहते हो, अगर आपके पास किसी भी टाइप की सेव फाइल हो तो आप उसे भी यहां पे ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैंने अपनी जो सेव फाइल है उसे यहां पे ओपन कर लिया और दोस्तों सेव फाइल को ओपन कर लेने के बाद जैसा कि आप अभी देख सकते हैं हम यहां पर आ चुके हैं एक गैरेज के अंदर। तो अभी दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस गैरेज के बाहर चलता हूं और गैरेज के बाहर जाने के बाद दोस्तों अभी आपको जो चीट है वो यहां पे एक्टिवेट करनी है। तो दोस्तों चीट को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे टाइप कीजिएगा राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को प्रेस करने के साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड पे बी वाली जो की है आपको उसे यहां पे प्रेस करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पे बी वाली जो की है उसे यहां पे प्रेस कर रहा हूं और जो मेरा आउटफिट है वो यहां पे चेंज हो रहा है। और यहां पर दोस्तों आप इसकी हेल्प से काफी सारे जो आउटफिट है उन्हें यहां पे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पे काफी सारे जो आउटफिट है वो यहां पे चेंज कर रहा हूं और दोस्तों ऐसे ऐसे अगर आप अपने आउटफिट जो है वो चेंज करते रहेंगे तो अभी दोस्तों आपको यहां पे मिल जाएगी पुलिस की यूनिफॉर्म। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हैं आपको जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो यहां पे मिल चुकी है, यानी कि दोस्तों आपके कैरेक्टर यानी कि टॉमी वर्सिटी को यहां पर दोस्तों जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो यहां पे मिल चुकी है। तो दोस्तों इस यूनिफॉर्म को यूज करके आप GTA Vice City गेम में जो आर्मी वाला एरिया होता है वहां पर जा सकते हैं और उस आर्मी वाले एरिया में जाके आप जो हंटर हेलीकॉप्टर है उसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों मैं अपनी इंस्टाग्राम की सोशल प्रोफाइल की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है इस मॉड को अपने गेम के
अंदर इंस्टॉल करने में, तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर दोस्तों रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।